इस वक्त मैं एल्फिंस्टन रोड के उसी ब्रिज पर हूँ जहाँ पर शुक्रवार की सुबह ये हादसा हुआ। मुंबई पुलिस के साथ साथ रेलवे के अधिकारी इस जांच में जुट चुके हैं। लेडीज महिलाएं थी जो रो रही थी जब हम नीचे आए थे, तो एग्जिट कर रहे थे, तब इसी तरीके से जो है सामने से कुछ लोग गोनी लेकर के आए। ये जो फूल की जो गोनियां थी वो गिरने की वजह से जो भगदड़ हुई उसके वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ। आखिर एक रेलवे स्टेशन का पुल दर्जनों लोगों के लिए मौत का पुल कैसे बन गया? तो एक तरफ वो भीड़ और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये जो फूल की जो गोनियां थी वो गिरने की वजह से जो भगदड़ हुई। जिस स्टेशन पर लोग जिंदगी का सफर करने आए थे वो उन्हें मौत के स्टेशन पर कैसे ले गया? प्रेशर से भीड़ आई कि लोग गिरे, और ऐसा एक घंटे में तकरीबन 5 या 6 बार हुआ, हमारे सामने हुआ। बारिश बहुत आ गया तो उसे पूरा ब्रिज भर गया, ब्रिज पूरा भरने के हिसाब से पूरा हादसा हुआ है। मुंबई में दर्जनों लोगों की जान अफवाह ने ली या फिर जान लेने वाले देश के सरकारी सिस्टम ने? इसका रीजन सिर्फ भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ थी, इसका ना शॉर्ट सर्किट हुआ या ब्रिज कोलैप्स हुआ ऐसा कुछ नहीं है। सब जन नीचे गिर गए ना, लाइन से गिर गए, तो खुद खुद को जान बचाने को आड़ा टेढ़ा भाग रहा है, ऐसा वैसा भाग। क्या मुंबई में मौत का ये पुल पहले से संकेत दे रहा था कि यहाँ कभी भी भयानक हादसे का टाइम बॉम्ब फटने वाला है? तो क्या किसी ने जानबूझकर लोगों को मौत के पुल पर चढ़ने दिया? वो हम लोग ने साइन भी दिया था तभी कि ये ब्रिज बड़ा बनाओ करके, अभी तक अभी 3-4 साल हो गए ये ऐसा ही है उन लोग का प्रॉब्लम। कम से कम होने एक के ऊपर है ना 50 आदमी तो होगा। एग्जैक्ट रीजंस दैट वी आर स्टिल इंक्वायरिंग इनटू। कैसा था वो खौफनाक मंजर? जब मौत के पुल पर एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे लोग, कैसे हजारों की भीड़ एक सकरे पुल में फंसकर मौत के मुहाने पर आ गई? क्यों ना कहें कि ये लोगों की मौत नहीं हत्या है। नमस्कार, मैं हूं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज, और इस वक्त मैं उसी घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां आज भगदड़ में 22 लोगों की जान चली गई। मुंबई का एक पुल कैसे मौत का पुल बन गया? अचानक एक भगदड़ मची और 22 लोगों की जान चली गई। ऐसा पुल जिसके बारे में मुंबई का हर शख्स जानता था कि यहाँ ये जो पुल है बेहद खराब है, कभी भी गिर सकता है, बावजूद इसके लोगों को मौत के मुंह में जाने दिया गया। मुंबई को शंघाई बनाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सिस्टम 106 साल पुराने पुल को लोगों के भार सहने के लिए के लायक नहीं बना सका। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से 22 लोगों की मौत के लिए आखिर कौन लोग सीधे तरफ पे जिम्मेदार हैं, कौन कौन इसके गुनहगार हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से 22 लोगों की ये मौत नहीं है, ये हत्या है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे। इस मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे में जो लोग घायल हुए हैं वो मुंबई के KM अस्पताल में भर्ती हैं, लोग सीधे जाकर वहां संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल KM अस्पताल में ब्लड की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो लोग वहां जाने से बच सकते हैं। आम मरीजों के लिए KM अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को फिलहाल बंद किया गया है। ध्यान दीजिए, आम मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवा को बंद किया गया है, और अगर आपके KM अस्पताल में कोई अपॉइंटमेंट है तो उन्हें आप टाल दीजिए, या फिर बेहद ज़रूरी है तो आप प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो एल्फिंस्टन ब्रिज है जहां पर आज सुबह ये हादसा हुआ था, उसे दोबारा से लोगों के लिए खोल दिया गया है।
मुंबई में रेल पुल कैसे बना मौत का पुल। जनता की जान लेने वाला सरकारी कातिल, ये मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर हुए भयानक हादसे की वो खौफनाक तस्वीर है जो किसी को भी विचलित कर सकती है। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर जब यहां भगदड़ मची और एक एक यात्री जिंदगी के आखिरी स्टेशन को पार कर गए, एक एक करके लाशें बिछती चली गई और मौत का आंकड़ा दो दर्जन को पार कर गया। ये जब बारिश जो गिर रहे थे सब लोग वहां रुके और उस वक्त है ना नीचे उतरने के लिए किसको है ना चांस नहीं मिल रहे, नीचे से और ऊपर से एकदम जाम हो गए और एक के ऊपर एक दबने के बाद कम से कम होने और एक के ऊपर है ना 50 आदमी तो होगा और उस वक्त है ना कोई ना नीचे उतरने नहीं मिल रहा है ना ऊपर चढ़ने नहीं मिल रहा है। एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ फुटओवर ब्रिज पर मौजूद थी, छुट्टी का दिन था और भीड़ ज्यादा भी थी। अचानक भगदड़ मच गई, एक यात्री दूसरे पर गिरा और इसी तरह हादसा बड़ा होता चला गया। अचानक बारिश होने के वजह से भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ जाने की वजह से लोग ऊपर रुक गए। पहले लोग जब ऊपर रुके तो नीचे से जाने का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। जब नीचे का रास्ता ब्लॉक हो गया तो हमने यहाँ से अपील की कि उतरिए सब, तो उतरने जो लोग ऐसे लगे कि पूरा जो ऊपर चढ़ रहे थे उन सारे लोगों को नीचे उतरना पड़ा। उतरना मतलब उतरे नहीं है, वो गिरे सारे लोग, इतने प्रेशर से भीड़ आई कि लोग गिरे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था, लेकिन हादसे की वजह क्या थी इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन स्टेशन पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक इसके पीछे कई अफवाहें थी। सामने से कुछ लोग गोनी लेकर के आए जिसमें फूल था, पत्तियां थी और उसमें से एक गोनी जो है यहां पर नीचे गिर गई और उसके बाद में बाहर जो है काफ़ी बरसात हो गई थी, लोग बाहर भी नहीं जाना चाहते थे और छत के नीचे खड़ा रहना चाहते थे। तो एक तरफ वो भीड़ और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये जो फूल की जो गोनियाँ थी वो गिरने की वजह से जो भगदड़ हुई उसके वजह से कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ। कुछ लोगों के मुताबिक बारिश की वजह से पुल पर लोग बहुत ज़्यादा थे, तभी वहाँ ये अफवाह फैली कि पुल का एक हिस्सा गिर गया और इसके चलते लोग एक दूसरे के ऊपर से भागने लगे। बारिश रुकने के कारण सब जने ब्रिज पे रुक गए थे तो इतना भीड़ हो गया ना, एक को ऐसा हुआ ना घुटना सी हो गई तो खुद को बचाने के लिए उसका पैर स्लिप हो गया तो आजू बाजू उसको पकड़ने गए तो उसके कारण सब जन नीचे गिर गए ना, लाइन से गिर गए तो खुद खुद को जान बचाने को आड़ा टेढ़ा भाग रहा ऐसा वैसा भाग। दूसरे चश्मदीद के मुताबिक अफवाह फैली कि स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट हो गया था और इससे घबराए लोग एक दूसरे को कुचल कर भागने लगे। एग्जैक्ट रीजन दैट वी आर स्टिल इंक्वायरिंग इनटू, अ माइनर स्टैम्पीड अकर्ड हियर व्हिच हैपेंड ऑन द नैरो स्टेयरकेस एंड एफओबी हियर। एक वजह ये भी बताई गई कि एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से भयंकर फिसलन थी और ट्रेन आते ही उसमें सवार होने की जल्दबाजी की वजह से वहाँ लोग फिसले और भगदड़ मच गई। जब बारिश थमी और निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो चूंकि बहुत सारी भीड़ थी तो उस निकलने के उस प्रोसेस में ऐसा लगता है कहीं कोई फिसला है गीली सीढ़ियों की वजह से, उसकी वजह से जो है ये स्टैम्पीड जैसी घटना बनी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुल पर मौजूद भीड़ में एक यात्री बीमार होकर नीचे गिरा और उसकी वजह से पुल पर मौत की भगदड़ मच गई। लेकिन अफवाह से ज्यादा बड़ा सच ये है कि ये पुल पहले ही हादसे के टाइम बॉम्ब पर बैठा था। जिस पुल से रोजाना करीब 3 लाख लोग गुजरते हैं उसकी हालत जर्जर थी और पुल को चौड़ा करने की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन मुंबई में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
और ये पुल पर लापरवाही का टाइम बॉम्ब आखिरकार फट ही गया। मुंबई से कविता शर्मा, नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता देते हैं। और एक खबर बयान है पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु का, जो ये कह रहे हैं कि आज जो हादसा हुआ है उसके लिए पहले ही रेल मंत्रालय ने 11 करोड़ 63 लाख रुपए सैंक्शन किए थे। और आपको बता दें कि जी न्यूज़ की ही ये खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफ़ कीजिएगा, 11 करोड़ 86 लाख रुपये इस फुटओवर ब्रिज को चौड़ा करने के लिए रेल मंत्री, पूर्व रेल मंत्री का बयान है सुरेश प्रभु, जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पहले ही सैंक्शन किए जा चुके थे। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, क्या अपडेट है इस पर, क्या कुछ, क्योंकि ये जी की ही खबर है, जी न्यूज की खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रेल मंत्रालय की तरफ से वो दस्तावेज भी जारी किए गए हैं और ये दावा किया गया है कि जो इस फुटओवर ब्रिज का टेंडर है वो अंडर प्रोसेस था, उसकी प्रोसेस चल रही थी और इसकी जो कुल सिविल की अगर हम लागत की बात करें या एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो वो कुल 12.8 करोड़ थी और इसकी सिविल कॉस्ट 9.86 करोड़ थी, ये भी रेल मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं। साथ में ये शिवसेना के सांसद ने जो अपना पत्र जारी करके सवाल उठाया था उसके जवाब में रेल मंत्रालय ने ये ब्यौरा दिया है कि सुरेश प्रभु ने उसको मना नहीं किया था उस बजट को, बल्कि बाकायदा उसको सैंक्शन करके वो अंडर प्रोसेस था और इस फुटओवर ब्रिज का टेंडर अभी प्रक्रिया में था और 2017-18 के जो बजट है उसके बजट से ये टेंडर के बाद उसके बजट से ये पैसा जाना था। जी कविता, बिल्कुल ब्रह्म, और जिम्मेदारी जब तय हो रही है तो अब पल्ला झाड़ने की कोशिश भी नजर आ रही है, पूर्व रेल मंत्री बयान देते हुए कि पहले ही पैसे जो है सैंक्शन किए जा चुके थे, तो सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर काम क्यों नहीं हुआ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे इस पूरे मामले पर आखिर कौन कौन लोग गुनहगार है, उन 22 बेगुनाह जानूंगा।